तो चलिए इस बाइक का अभी एक एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो ये देख सकते हैं एग्जॉस्ट नोट काफ़ी रिफाइन हो गया इसका एग्जॉस्ट नोट। अभी ये है इसका एग्जॉस्ट नोट। हेलो गाइस, तो अभी हम बात करने वाले हैं होंडा SP 125 BS6। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको SP 125 की बैजिंग मिल जाती है और ये है एक BS6 इंजन। तो इसमें होंडा ने लगभग 11 पेटेंट्स निकाले हैं और अभी हम इस बाइक के पूरे फीचर्स और अपडेट्स देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंट है शाइन SP 125 से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 124 सीसी का 4 स्ट्रोक SI HET PGM FI ESP BS6 इंजन मिल जाता है। ESP मतलब आपका इन्हेंस्ड स्मार्ट पावर, और ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी बेटर मिलता है, क्योंकि इससे आपका फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है। और इसकी जो पावर फिगर है वो है 10.87 न्यूटन मीटर एट 7500 RPM, और जो टॉर्क है वो है इसका 10.9 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM। तो अगर हम शाइन SP 125 से बात करें, शाइन SP 125 का जो पावर था वो था 10.16 BHP का, और जो उसका टॉर्क था वो था 10.30 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम इसको शाइन SP 125 से कंपेयर करें तो इसका जो पावर है वो 0.6 BHP से बड़ा है, और इसमें आपको एक ACG स्टार्टर मिल जाता है इंटीग्रेटेड विद ESP स्टार्ट। उसकी वजह से जो आपका इंजन है वो काफ़ी स्मूथली स्टार्ट होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये अभी इंजन स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी स्मूथली ये इंजन स्टार्ट हुआ है। और इसमें एक फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसको हम बोलते हैं PGM FI। तो वो बेसिकली आपका बेटर फ्यूल एयर मिक्सचर के लिए होता है, और इससे आपको प्रॉपर कंबशन मिलेगा, तो जिससे आपको माइलेज बेटर मिलेगा। इसके बाद इसके हम टायर्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है। ये है इसका फ्रंट का टायर, और इसमें आपको TVS का टायर मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉय का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अलग है। तो ये है स्प्लिट अलॉय, तो ये काफ़ी अच्छा है अभी दिखने में। और जो हम पीछे का टायर की बात करें तो इसका जो पीछे का टायर है वो 80x100 सेक्शन का है, तो दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी अलॉय का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है, इसको हम स्प्लिट अलॉय डिज़ाइन बोलते हैं। और ब्रेक्स की बात करें तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है जो कि है 130mm का, और आगे की तरफ आपको जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये जो बाइक है इसमें आपको 240mm का डिस्क ब्रेक मिलता है आगे की तरफ, और इसमें दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। तो वो जो ड्रम ब्रेक है उसका साइज़ होता है 130mm। तो अगर आप फ्रंट में आगे ड्रम ब्रेक लेते हैं तो आपको जो प्राइस जाएगी वो आ जाएगी 90,000, और अगर आप डिस्क लेते हैं इसमें आगे तो आपको 95,000 का प्राइस जाएगा ऑन रोड पुणे। इसके सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं फ्रंट में, ये देख सकते हैं आप फ्रंट का सस्पेंशन। और पीछे की तरफ आपको मिलते हैं यहाँ पे 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सस्पेंशन का, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसा आपका राइड होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सस्पेंशन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसका जो फ्रेम है वो पुराना फ्रेम जो आपका होंडा शाइन SP 125 में आता था वही वाला फ्रेम है। इसमें आपको डायमंड टाइप का फ्रेम मिल जाता है। इसमें एक और अपडेट किया गया है जो कि है इसका फ्यूल टैंक। तो
जो पुरानी शाइन एसपी 125 आती थी उसमें आपको 10.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता था, तो अभी इसमें आपको 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, तो काफ़ी सफिशिएंट है और इसका माइलेज भी बढ़ जाएगा अभी, क्योंकि इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी मिलती है और BS6 इंजन मिल जाता है, तो उसकी वजह से इसका जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और होंडा का क्लेम है वो है कि 16% मोर फ्यूल इफिशियंट गाड़ी है ये, तो आपको 16% बेटर माइलेज मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू आपकी जो पुरानी शाइन 125 से। इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो है ये किक, तो ये किक से आप बाइक स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा है यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो उससे बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी हम इस बाइक के डायमेंशन की बात करें तो इसका जो लेंथ है वो है 2020 mm, व्हील बेस है इसका 1285 mm, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसका है 160 mm, तो काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस है आप अगर इंडियन रोड्स के हिसाब से कंसिडर करते हैं। और हाइट है इस बाइक की अराउंड 1103 mm, और जो वेट है इस बाइक का, तो अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको 118 kg का वेट मिल जाएगा, और अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हैं आगे की तरफ तो आपको 117 kg मिलेगा। सीट हाइट है इसकी 790 mm, तो सही है अगर आप टॉल राइडर शॉर्ट राइडर्स दोनों के लिए परफेक्ट हाइट है ये। तो चलिए अभी इसके हम इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करते हैं, तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाता है जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, इको मोड, ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल का इंडिकेशन मिलता है, फिर ये है गियर इंडिकेटर, फिर यहाँ पे आपको टाइम दिखा देता है, ये स्पीडोमीटर है, और ये है यहाँ पे ट्रिप मीटर, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लाइट ग्लो करती है इकोनॉमी की अगर आप 30-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, और अगर आप 60 किलोमीटर से ऊपर चले जाएंगे तो ये लाइट ग्लो होना बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइट आती है। तो पहले जो शाइन एसपी 125 आती थी उसमें जो लाइट्स आती थी वो हैलोजन आती थी, और अभी आप यहाँ देख सकते हैं आपको फुली LED हेडलाइट मिलती है, तो अगर आप नाइट के टाइम ट्रैवल करते हैं तो ये बाइक बहुत अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि इसका जो रोड कवरेज होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और नाइट के टाइम आपको जो विजिबिलिटी दिखेगी वो काफ़ी बेहतर दिखेगी। इसमें एक और जो अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि इसमें आपको किल स्विच और स्टार्ट स्विच दोनों एक साथ है, तो यहाँ पे अगर आप इसको दबाएंगे तो ये स्विच को इंजन को बंद कर देगा, और इसको अगर आप प्रेस करेंगे ऐसे नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो ये इससे इंजन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अपडेट हुआ है इसमें। तो इसमें एक और अपडेट आया है कि जैसे इसमें अभी आपको अपर और लोअर डिपर एक ही स्विच में, और पास इंडिकेशन वो भी एक ही स्विच में हो गया है, तो जैसे अगर आपको पास करना है तो सिंपल आप ऐसे दबाएंगे तो इससे पास होगा, एक्स्ट्रा रोशनी चाहिए तो आप उसके लिए ऐसे करेंगे, इस तरीके से कुछ करेंगे तो उससे आपको डबल लाइट जल जाएगी, इसमें आपको थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा बेटर मिल जाएगा उसकी वजह से, तो ये एक अलग फीचर है जो कि होंडा ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें होंडा ने एक और नई चीज़ दी है कि जैसे कि आपको वारंटी नॉर्मली 3 years की मिलती थी, तो इसमें जो स्टैंडर्ड वारंटी आएगी वो 3 years की आएगी, और आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्रा 3 years का वारंटी ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको अराउंड 800 अप्रॉक्सीमेटली पे करना पड़ेगा, तो आपको 6 years का वारंटी मिल जाएगा इस टोटल बाइक में। और इसमें आपको 4 colors के ऑप्शन मिलते हैं, एक है मैटे एक्सेस मेटालिक ग्रे, फिर उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है वो पर्ल साइरन ब्लू, और तीसरा ऑप्शन है इम्पीरियल रेड मेटालिक, और चौथा ऑप्शन है स्ट्राइकिंग ग्रीन, तो ये है स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर। तो चलिए अभी मैं आपको इसे कलर दिखाता हूँ, तो एसपी 125 में आपको एक तो ये कलर मिलता है, ये है रेड कलर, और दूसरा कलर है ये है स्ट्राइकिंग ग्रीन, तो ये वाला कलर आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया है दिखने में, तो ये वाला कलर देख सकते हैं आप, ये है ग्रे, और ये है चौथा कलर जो कि है ब्लैक कलर, तो ये आप देख सकते हैं, और इसमें भी आपको थोड़ा रेड कलर की बैजिंग मिल जाती है, तो ये है कलर का ऑप्शन। तो इस बाइक के प्राइस की बात करें तो इसमें आपका वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस आएगा, तो अगर आप आगे की तरफ ड्रम ब्रेक लेते हैं तो उसकी प्राइस जाती है 73,366 शोरूम पुणे, और अगर आप आगे डिस्क लेते हैं तो उसकी जो प्राइस जाती है वो है 77,566 शोरूम पुणे, तो ये वाला जो प्राइस है ये डिस्क के लिए जाता है। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये बजाज पल्सर 125 से कॉम्पीट करेगी, देन हीरो ग्लैमर से कॉम्पीट करेगी, तो आने वाले टाइम पे देखते हैं कि ये मार्केट में कैसा कॉम्पिटिशन लेके आती है। तो यही सब इस बाइक होंडा एसपी 125 BS6 मॉडल का एक वॉक अराउंड वीडियो था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइज़।